Children, agar as human beings are integral part of the environment, so we have to use that environment for our comfort and for our needs. तो हमारा ड्यूटी भी है कि हम उस एनवायरनमेंट को साफ भी रखें. टू क्लीन दैट एनवायरनमेंट इट इज आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी, राइट. सो उसके लिए सो मेनी स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. वो अपने लेवल पे अलग अलग जगह पे काम करती है. सिटीज में जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, वो काम करते हैं. कुछ एनजीओज भी हैं जो अपने खुद से इनिशिएटिव लेते हैं और जो गार्बेज है उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम करते हैं. सबसे पहले डिस्पोज ऑफ करने के लिए वी मस्ट नो अबाउट आवर वेस्ट. सो चिल्ड्रन, जो कूड़ा है, जो वेस्ट है, जो गार्बेज है, दैट इज ऑफ टू टाइप्स. तो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट भी जस्ट दे आर मेकिंग एन एफर्ट और दे आर जस्ट ट्राइंग टू टीच अस कि हमें जो कूड़ा है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके ही थ्रो करना चाहिए, लाइक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. यानी कि जो बायो यानी जो एनवायरनमेंट में ही खत्म हो जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो एनवायरनमेंट में अपने आप घुल मिल नहीं सकता, राइट. सो मेनी एनजीओज आर आल्सो वर्किंग एट दिस पार्ट. और हमारी गवर्नमेंट ने अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई थी. दे जस्ट ही जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सम ऑफ सॉरी दैट डस्टबिन्स two types of dustbin they gave to the families for free. उन्होंने free बांटे थे और free देने के लिए उन्होंने कहा था कि try to keep your गीला कूड़ा in green bin and जो सूखा कूड़ा है वो आप blue bin में डालिए. So children, this is a very good initiative, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम उसको खुद से थोड़ा पेन लेके उसको नहीं करते हैं. तो वी मस्ट ट्राई टू डीकम्पोज आर वेस्ट ऑन आर ओन. हमें खुद से करना पड़ेगा चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट है जो हम अपने किचन से, अपने खाने पीने की चीजों से बचा हुआ पार्ट निकालते हैं. बचा हुआ पार्ट मतलब जैसे पील्स, फ्रूट्स के पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, इस तरह की चीजें जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रीयूज्ड इन अदर वेज. लाइक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए चिल्ड्रन हम कंपोस्ट पिट बनाते हैं या फिर लैंडफिल्स बनाते हैं. उन लैंडफिल्स में या उन कंपोस्ट पिट में उस पूरे किचन के कूड़े को यानी गीले कूड़े को हम एक गड्ढे में दबा देते हैं और उससे फिर ह्यूमस हो जाता है. ह्यूमस इट रिड्यूसेस टू ह्यूमस. ह्यूमस होता है चिल्ड्रन एक ब्लैक कलर का, जब सारी चीजें सड़ के और ब्लैक पार्ट में बन जाती है, तो दैट इज वेरी गुड मेन्योर फॉर प्लांट्स. फिर हम उसको अपनी मिट्टी में, अपनी लैंड में मिक्स कर लेते हैं. सो इट दिस इज द वेरी गुड वे. कंपोस्ट पिट एंड लैंडफिल्स आर वेरी गुड वे टू डिस्पोज आर वेस्ट मटीरियल्स. यानी वेस्ट मटीरियल्स दैट इज बायोडिग्रेडेबल. चिल्ड्रन, कम टू नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब आपको पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल्स क्या होते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल्स आर दोज मटीरियल्स दैट कैन नॉट गेट मिक्सड इन लैंड. वो लैंड में मिक्स नहीं हो सकते. लाइक पॉली बैग्स. आपको पता है चिल्ड्रन, ये पॉली बैग्स को अगर हम लैंड में ऐसे ही छोड़ देते हैं, ओपन डंपिंग जिसे हम कहते हैं, अगर ओपन डंपिंग में हम उनको फेंक देते हैं, इट कैन नेवर बी डीकम्पोज और इट कैन नॉट बी गेट मिक्स्ड विद सॉइल, क्योंकि वो पूरे कई सालों साल तक वो उसी एनवायरनमेंट में रहता है. तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स हैं वो लैंड माइन से निकला हुआ कूड़ा होता है,
हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है, वो पॉलीबैग्स भी हो सकते हैं, वो हमारे जो पैकेट्स हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं। सो चिल्ड्रन, आई मस्ट टेल यू, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे, अच्छा कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक जब हम पैकेट्स को कट करते हैं एंड वी जस्ट लेफ्ट दैट लिटिल कॉर्नर, वी आर इन द हैबिट ऑफ जस्ट टियरिंग दैट पैकेट विद अ लिटिल कॉर्नर, तो उस लिटिल कॉर्नर का जो पार्ट है हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो चिल्ड्रन, उस लिटिल पार्ट को तो हम इकट्ठा भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट गेट इट कलेक्टेड, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो इतना ज़्यादा बल्क में इकट्ठा हो जाता है इन टन्स, बट इट जस्ट रिमेन इन द एनवायरमेंट एज वी आर नॉट कलेक्टिंग इट। सो दिस इज आर ड्यूटी कि हम अपने कूड़े को, हम अपने वेस्ट को, हम अपने गार्बेज को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, दिस इज आर ड्यूटी। सो हम उस पैकेट को, उस पैकेट के कॉर्नर को हल्का सा कट करके उसी पैकेट में भी छोड़ सकते हैं। सो दिस इज माई एडवाइस कि हम थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करके चलें तो वी कैन रिड्यूस आर गार्बेज, राइट चिल्ड्रन। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल आर द मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी गॉट मिक्सड इन सॉइल। सो अब इनको डिस्पोज ऑफ करने के तरीके हैं चिल्ड्रन, कुछ अच्छे तरीके हैं, कुछ खराब तरीके हैं, बट वी मस्ट ट्राई टू गेट और टू एक्सेप्ट द गुड वेज। लाइक सबसे पहले तो जो कॉमन वे होता है, हमने देखा है कि जो माली हैं या जो और जो स्वीपर्स हैं हमारे स्ट्रीट के, वो क्या करते हैं कि दे गैदर द वेस्ट मटीरियल एंड दे जस्ट गेट इट बर्न्ड। सो गलत है वो तरीका, क्योंकि उससे हार्मफुल गैसेस जो निकलती हैं दे आर गेटिंग मिक्स्ड इन आर एनवायरनमेंट, इन आर एयर, दे आर पॉल्यूटिंग एयर। सो बर्निंग इज नॉट अ गुड वे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वे, दैट इज ओपन डंपिंग। तो अभी मैंने डिस्कस किया, ओपन डंपिंग इज नॉट गुड एट ऑल, बिकॉज ओपन डंपिंग से द थिंग्स दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल दे रिमेन इन द अर्थ फॉर एवर, दे रिमेन और दे स्कैटर, दे गेट स्कैटर्ड इन द एनवायरमेंट, राइट चिल्ड्रन। सो ओपन डंपिंग, बर्निंग आर नॉट गुड एट ऑल। येस, लैंडफिल्स एंड कंपोस्ट पिट आर द गुड वेज टू यूज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, राइट। सो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिसाइकलिंग, थ्री आर्स चिल्ड्रन, थ्री आर्स मीन्स रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड रिड्यूसिंग। यानी कि हम अपने जो हमारा जो कूड़ा है हम उसको कोशिश करें कि हम उसको रिसाइकल कर लें, या तो या हम उसको कूड़े को कम ही करें। लाइक चिल्ड्रन, आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर रिड्यूसिंग, कि हम एक पॉली बैग यूज करते हैं, तो उस पॉली बैग को हम, वी शुड यूज अगेन एंड अगेन, हम उस एक पॉली बैग को बार बार यूज कर सकते हैं जब, व्हेन वी आर गोइंग टू द मार्केट। सो कभी कभी हम जैसे हर चीज पॉली बैग्स में लाते हैं, तो देर इज नो नीड टू टेक पॉली बैग्स विद यू, यू कैन हैव अ पेपर बैग, सॉरी नो, पेपर बैग तो ठीक है कि यू कैन नॉट यूज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट क्लोथ बैग यू कैन टेक। आप एक क्लोथ बैग रखिए जिसमें कि आप हमेशा सामान लेने के लिए उसे बाहर लेके जाएं और उसी में सामान लेके आए। सो दिस इज द गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग पॉली बैग्स। सो रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग। रीयूजिंग भी मैंने आपको बता दिया कि एक ही पॉली बैग को हम बहुत बार यूज कर सकते हैं टू टेक द ऑब्जेक्ट्स, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज द वे ऑफ मैनेजिंग आर वेस्ट वे, ठीक है, ये हमारा वे था। सो चिल्ड्रन, दिस इज माई एडवाइस एंड इट इज माई रिक्वेस्ट ऑल्सो कि ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन बिकॉज दिस इज आर, यू कैन से मजबूरी है हमारी, वी आर बाउंड टू डू दैट, बट ये भी हमारी ही ड्यूटी है कि हम उस
गार्बेज को किस तरह से मैनेज करें, कम करें या दोबारा से यूज करें, सो दैट कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं विल नॉट सफर फॉर दिस. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.